बच्चों, जैसा आप भी आपने देखा कि रोमन सभ्यता के पतन के पश्चात काफ़ी लंबे समय के लिए मानचित्रों के विकास का काम रुका रहा। लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी में अरब में फिर से इसकी शुरुआत हुई और एक नाम जो इतिहास में आता है महान भूगोलवेत्ता के रूप में और एक नक्शानवीस के रूप में, ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बड़ा मानचित्रकार था, वो है नाम अल इदरीसी का। अल इदरीसी खुद एक शाही खानदान में पैदा हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी इतिहास में उपलब्ध है, लेकिन ये बात पता चलती है कि अपने युवावस्था में ही उसने बहुत सारे देशों को घूम लिया था। इसका जन्म मोरक्को में हुआ था। वो अपने जन्म के बाद यानी 16 से 20 वर्ष की अवस्था में ही उसने अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में पुर्तगाल, स्पेन का उत्तरी हिस्सा और यूरोप का पश्चिमी भाग, इन सारे देशों की यात्रा की उसने और काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित किया। इसमें खास बात और है कि उसने अपनी इस यात्रा में एशिया माइनर को भी देखा और इन तमाम जगहों से उसने बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की, उन्हें किताब के रूप में बदला और उसके इस काम से प्रभावित हुआ सिसिली का राजा रोजर द्वितीय। रोजर द्वितीय को एक बुद्धिमान राजा के रूप में जाना जाता था, जो बहुत सारी बौद्धिक क्रियाओं से अपने आप को जोड़ के रखा हुआ था। उसने कई सारी किताबों की दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी कराए थे। उसे जब अल इदरीसी के बारे में पता चला तो उसके मन में इच्छा हुई कि वो दुनिया को और बेहतर जानने के लिए कुछ काम करे, दुनिया का नक्शा बनवाए। उसने अल इदरीसी को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप दुनिया की यात्रा करिए और एक नक्शा बनाइए जो पूरी दुनिया को प्रदर्शित करता हो। ये अल इदरीसी के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर था, अच्छा मौका था कि उसके सारे संसाधन जो उस यात्रा में उसे लगने चाहिए थे और राजा उन्हें उपलब्ध करा रहे थे। तो उसने एक टीम बनाई, एक दल बनाया और उस दल में उसने ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जो बहुत अच्छे नाविक थे, गणित के बहुत अच्छे जानकार थे और बहुत अच्छे मानचित्रकार थे। इन साथियों के साथ उसने सुदूर समुद्र के अंदर उन द्वीपों, महाद्वीपों की यात्राएं की जिसके बारे में लोग सुनते तो थे लेकिन कोई ख़ास जानकारी लोगों के पास नहीं थी। तो उसने अपने साथियों के साथ ऐसी बहुत सारी यात्राएं की और उन यात्राओं के दरमियान जो जानकारियां इकट्ठी हुई उसे उन्होंने किताब के रूप में प्रदर्शित किया और नक्शे भी बहुत सारे बनाए। उनका एक ख़ास नक्शा जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और जिसके नाम से उन्हें जाना भी जाता है, उसमें उन्होंने भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से को जलवायु के आधार पर 7 अलग अलग खंडों में बांटा और देशांतर रेखाओं के माध्यम से उसने उसके 10-10 हिस्से और किए। इस तरह से 70 खंडों का उसने एक नक्शा बनाया और इसके अलावा भी बहुत सारे नक्शे उन्होंने अलग अलग यात्राओं के बनाए। यह सारी चीज़ें बाद में किताबों के रूप में प्रकाशित हुई। इसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद यूरोप के लोगों में इस बात की चेतना पैदा हुई कि उन्हें भी समुद्र की यात्राएं करनी चाहिए और दूसरे देशों की यात्राएं करनी चाहिए। इस दरमियान बहुत सारे यात्रियों के नाम का हम उल्लेख करना चाहेंगे जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं की। इसमें आपने मार्को पोलो का नाम सुना होगा, कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों की यात्राएँ की। ये यात्राएँ केवल यात्राएँ नहीं थी, घूमने या दुनिया को देखने के से संबंधित यात्रा नहीं थी, इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य थे। एक तो दूसरे देशों की संस्कृति को जानना, वहाँ के रहन सहन को पहचानना, लोगों की भाषा, उनके साहित्य, उनके ग्रंथों को समझना, पढ़ना, उस ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये सारे उद्देश्य हुआ करते थे। कुछ व्यापारिक उद्देश्य भी हुआ करते थे, यहाँ क्या चीज़ें पैदा हो रही हैं, यहाँ के क्या चीज़ें दूसरे देशों को ले जाई जा सकती हैं, ये भी एक उद्देश्य हुआ करता था। तो ये जो बहुत सारी यात्राएं हुई, इन यात्राओं ने भी ज्ञान के बहुत सारे खजाने दुनिया के सामने लाए और जब इन्हें किताबों के रूप में, नक्शों के रूप में प्रदर्शित किया गया तो दुनिया को समझने में लोगों को काफ़ी मदद मिली। 13वीं शताब्दी के आसपास ही एक बड़ा और चमत्कार हुआ, लोगों ने दुनिया को ग्लोब के रूप में प्रदर्शित करना सीख लिया। अब तक नक्शों को हम समतल पर या धरातल पर प्रदर्शित करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये समझ में बात आई कि पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है, जैसा कि हेकेटियस ने अपने नक्शे में बनाया था कि पृथ्वी चपटी है, उससे अलग सोच यहाँ पर दुनिया के बारे में लोगों की आई। लोगों ने दुनिया को एक गोल गुलाब के रूप में देखना शुरू किया और नक्शे को उन्होंने ग्लोब के रूप में प्रदर्शित करना शुरू किया। एक और बड़ी बात हुई थी कि 16वीं शताब्दी के आते आते यूरोप ने
छापे खाने का आविष्कार कर लिया था, छापने की मशीन तैयार कर ली थी। इस चीज़ ने नक्शे को ज़्यादा पॉपुलर किया, लोगों तक नक्शे को ले जाने के लिए एक साधन उपलब्ध करा दिया। जो नक्शे केवल हाथ से बनाए जाते थे, अब वो छपने लगे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगे। ये तो कुछ बातें हुई जो नक्शों के विकास के क्रम को प्रदर्शित करती हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे मार्को पोलो की। मार्को पोलो ने जो अपनी यात्रा की, उसने अपनी यात्रा वेनिस शहर से शुरू की थी और थल मार से यरूशलम होते हुए वो चीन तक अपनी यात्रा करता है, और चीन में काफ़ी समय रहने के बाद पूर्वी चीन से वापसी की उसकी यात्रा शुरू होती है, और पूर्वी चीन से वो वियतनाम से मलय प्रायद्वीप, वहाँ से फिर निकोबार द्वीप समूह से वो लंका आता है। लंका के बाद भारत के पश्चिमी क्षेत्रों का भी भ्रमण करता है, और इसके बाद ईरान होते हुए वापस वेनिस शहर को वापस आता है। तो ये मार्को पोलो की यात्रा थी। इस यात्रा में उसने भी जो जानकारी संकलित की और दुनिया में जिस तरह के थल और जल मार्ग के बारे में लोगों को बताया, वो अपने आप में एक बड़ी खोज के रूप में जाना जाता है।